इस लेक्चर में हम बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर सीखे गए डिफरेंशिएशन के रूल्स को हम समझने वाले हैं। यहां पर आपको गिवन है कि y एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, और बाकी के लिखे गए क्वेश्चंस। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, तो हम इसे लिख सकते हैं डीवाई बाय डी एक्स। डीवाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस थ्री। हमने अभी डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला दिया जा सकता है एन एक्स एन माइनस वन। एन एक्स एन माइनस वन में ऐसा कहा जा सकता है डी बाय डी एक्स एन माइनस वन डीवाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस थ्री। जो भी पावर है वो आगे आ गई, डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब थ्री एक्स थ्री माइनस वन। यहां पर पावर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री आगे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन डीवाई बाय डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री, इसे कहा जा सकता है। माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर होगा, यहां पर माइनस थ्री माइनस वन दैट विल बी माइनस फोर। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में ऐसा बोला गया है देखिए सेकेंड प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं y x की पावर वन बाय टू वन अपॉन x की पावर वन बाय टू। ऐसा लिखने से फंक्शन हो जाएगा x की पावर वन बाय टू प्लस x की पावर माइनस वन बाय टू, इसे लिखेगा है dy बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स एक्स की पावर वन बाय टू डिफरेंशिएशन x की पावर माइनस वन बाय टू। हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, उसमें से वन लेस हो जाता है, तो जो भी पावर है वो माइनस वन बाय टू, उसमें से वन लेस माइनस वन बाय टू माइनस वन, वन अपॉन टू एक्स की पावर प्लस वन बाय टू माइनस वन प्लस वन बाय टू माइनस वन माइनस वन बाय टू और एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू। तो यहां पर डीवाई बाय डी एक्स लिखा जा सकता है वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा बताया गया है y इक्वल टू प्लस कुछ इस तरह से बताया गया, इसे ऐसा लिखा जा सकता है x की पावर वन बाय थ्री एक्स की पावर वन बाय फाइव एक्स की पावर वन बाय सेवन और एक्स की पावर वन बाय सेवन ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन बाय सेवन हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो डीवाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाय सेवन डीवाई बाई डी एक्स, जो भी पावर होगी उसमें से वन लेस हो जाएगा वन बाय थ्री माइनस वन वन बाय फाइव एक्स की पावर वन बाय फाइव माइनस वन माइनस वन बाय सेवन माइनस वन बाय सेवन माइनस वन। तो हम ये कह सकते हैं वन बाय थ्री माइनस वन माइनस टू बाय थ्री वन बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव माइनस वन बाय सेवन
माइनस 8/7। ये फंक्शन के लिए आंसर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, ये फंक्शन आपको गिवन है। यहां पर इसे देख के समझा जा सकता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जिसे लिखा जा सकता है। रूट एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर यहां लिखा जा सकता है टू प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन। आप देखिए यहां पर कई बार ऐसा होता है कि एक्स की पावर माइनस वन डीवाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स की पावर वन एक्स की पावर माइनस वन डिफरेंशिएशन एक्स की पावर वन डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस वन ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम आगे लिख पाएंगे डीवाई बाय डी एक्स एक्स की पावर वन टू और एक्स की पावर माइनस वन, जो भी पावर होती है उसमें कोफिशियंट और उसमें से वन लेस। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्योंकि टू नंबर है, नंबर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास जीरो। माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन, वन इंटू एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर माइनस टू, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू या वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यह इस प्रॉब्लम का आंसर निकाला जा सकता है। रूट एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ वाई इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिलेशन हुआ, रूट हटा, रूट हटने के बाद में पावर हमने वन अपॉन एक्स था तो एक्स की पावर माइनस वन लिखा। डिफरेंशिएशन एक्स की पावर वन डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए वन पावर आगे ली एक्स की पावर वन माइनस वन, टू का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन आया कोफिशियंट उसमें से वन लेस हुआ, इस तरह से ये आंसर निकलता है। नाउ अब हम लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में ऐसा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी स्क्वायर दैट इज वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स कैंसल हुआ टू, वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस टू, डीवाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन टू और डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस टू। अभी हमने डिस्कस किया जो भी पावर होती है वो कोफिशियंट बन जाएगी टू, टू माइनस वन, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा माइनस टू एक्स टू माइनस वन, टू एक्स की पावर वन प्लस जीरो माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, 2x माइनस टू माइनस थ्री, ये इसका आंसर निकल सकता है। एक बार फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स एक्स कैंसिल हुआ,
वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन एक्स की पावर माइनस टू, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन और एक्स की पावर माइनस टू, जो भी पावर होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी, उसमें से वनलेस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव